मन मुकुर सुधारी बरनउ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और धजा बिराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिउर लाए रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रो यस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहां ते कवि को विद कह सके कहां ते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्री का मेली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरना तुम रक्षक काहु को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोये मित जीवन फल पावे चारो जुग पर ताप तुम्हारा है पर सीत जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे
अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप सियावर। राम चंद्र प्रिय हो, राधावर कृष्ण चंद्र प्रिय हो। उमापति महादेव प्रिय हो, पवन सुत हनुमान प्रिय हो। बोलो भाई सब संतन प्रिय हो। हरि ओम आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो लब्धासो अपरितास उद्विद देवानो यथा सदमिद मृदे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमति रुजुयतां देवानां रातिरविनो निवर्तताम् देवानां सत्यमुपसेदिमा वयं देवान् आयुरतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा भूमहे वयं भगं मित्रमदिलिं दक्षमश्रिदं अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वतीन सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजम् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाण सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतं दिष्णायुवं तमीशानं जगतस्तस्तुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयं भूषानो यथा वेदसाम सद्हृदे रक्षिता पायुर्दद्ध स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिशमेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु वृषदस्वा मरुत वृष्णीमातर शुभं यावानो विदधे सुजग्मय अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णे विश्रूयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो हन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र वितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषदायुर्गन्तो यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति बुद्धिविशान्ति प्रापश्शान्ति दोषदयशान्ति वनस्पतयशान्ति विश्वे देवाशान्ति ब्रह्मशान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि देवायेव देवायज्ञे देवाइन्द्रः देवाहि भूषण देवाहि देवा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम्।
वाता
Yeah.
सियाराम। अयोध्या धाम में चल रही राम कथा मानस राम मंदिर का आज समापन दिन है और इस मौके पर दो शब्द कहने के लिए मैं आदरणीय चंपत राय जी को निमंत्रित करता हूं। आइए दो शब्द कहें। व्यास पीठ के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित संत महापुरुष, श्रद्धेय माताओं, देश के भिन्न भिन्न भागों से यहाँ पधारे आदरणीय सज्जन वृंद, मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। आप जहाँ ये कथा श्रवण कर रहे हैं, ये लगभग अयोध्या का सुनसान क्षेत्र है।
बगल में ही एक मणि पर्वत नाम का स्थान है। निकलिए थोड़ा दाहिने हाथ को। एक साल में एक महीने का मेला लगता है, उसे झूले का मेला कहते हैं। मैंने अपने मन से ही विचार कर लिया है कि चैत्र मास में भगवान का जन्म हुआ और श्रावण में ठाकुर चार महीने के हो गए तो सब उन्हें झुलाते हैं। अयोध्या के हर मंदिर में झूला लगता है, प्रारंभ यहीं से होता है। मंदिरों के लोग अपने अपने झूले लेकर आते हैं। सारा पास पड़ोस का ग्रामीण समाज यहाँ एकत्र होता है। अगर उस मेले को छोड़ दिया जाए तो ये सड़क सुनसान है। मैं आज ये कह सकता हूँ कि अयोध्या के किसी कोने में अगर इस स्थान का नाम लिया जाए तो अपने आप यहाँ रिक्शा वाला ले आता है, ये परिणाम है। तो ये स्थान भगवत नाम स्मरण से जागृत हो गया है। धरती का भी तो अपना भाग्य रहता ही होगा, तो इस स्थान का ये भाग्य ही है। ऐसा भी सोचता हूँ कि अयोध्या में और कौन सा स्थान है जहाँ आयोजन करें इतने बड़े। कुछ दिखा ध्यान में नहीं आता जहाँ प्रशासन को भी कोई कष्ट न हो। यहाँ कथा में पूरे प्रशासन को कोई कष्ट नहीं है। घर से निकलकर थोड़े बहुत तो होते ही हैं, तो उतना ही है बस। मुझको बताया गया, मैं कल यहाँ नहीं था, कि कल भी वर्षा हो रही थी, आज समापन भी वर्षा है। भगवान की प्रसन्नता का ही प्रतीक है शायद ये, प्रभु की प्रसन्नता का ही प्रतीक है। तो मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। महाराष्ट्र ने, बापूजी ने निवेदन स्वीकार कर लिया। मैं आप सबको भी हाथ जोड़कर, जैसा हम जनवरी मास के इस विशाल आयोजन के लिए कर सके, जो संभव था हमारे लिए, वो यहाँ व्यवस्था जुटाई गई। सुविधाएं नहीं, सुविधा एक अलग शब्द है, व्यवस्था एक अलग शब्द है। तो हमने सुविधाएं प्रदान नहीं की, दो दिन चार दिन आने वालों के लिए व्यवस्था प्रदान की। उसी व्यवस्था में जो सुविधा असुविधा आपको हुई हो, सुविधा भगवान की, असुविधा हमारी मनुष्यों की, परेशानियां मनुष्य जनित हैं, आप उसके लिए क्षमा करें। कभी फिर ऐसा सुअवसर मिलेगा जो संभव होगा, प्रभु सेवा में अर्पित करने का प्रयास करेंगे। मैं आपके चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। बंदा बा
भागवत की सुनाऊं सब Mom.
नौ दिवसीय राम कथा इस परम पावन धाम अयोध्या में स्वांतः सुखाय आयोजित हुई। जिस कथा का विचार बिंदु था मानस राम मंदिर, आज हम नौवें दिन में प्रवेश कर रहे हैं विराम के लिए। तब फिर एक बार सरयू गंगा के में मानसिक रूप में स्नान करते हुए राम मंदिर में विराजित परात पर ब्रह्म भगवान परमात्मा ईश्वर प्रभु विभू जो कहना चाहो इस रामलला के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और अयोध्या में जितने धर्मस्थान हैं इसमें जो जो स्वरूप विराजित है और वहाँ के साधु संत महंत आचार्य गण सभी को भी व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। कथा में उपस्थित सभी महत्पाद महापुरुष गण सभी पूज्य चरण और हम सबके आदरणीय वडील मुरब्बी श्री आदरणीय संपत राय दादाजी और इतने दिव्य आयोजन के लिए जो निमित्त बने हैं वो हमारे मनोरथी परिवार समग्र परिवार आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सियाराम। आज समय नहीं है, कई लोगों को 12 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, कई लोगों को कोई ट्रेन पकड़नी है, कुछ है और कृपा भी बरस रही है। इन सब को देखते हुए आपकी जितनी जिज्ञासाएं थी केवल मैंने दृष्टि से अवलोकन किया। आज इतना समय नहीं कि मैं इस पर ज़्यादा आपसे संवाद करूं। इस नौ दिवसीय राम कथा का विषय हमने चुना गुरु प्रेरणा से भगवत प्रेरणा से कि मानस राम मंदिर। मेरे भाई बहन ये राम मंदिर केवल अयोध्या का नहीं है, ये मेरे अंतःकरण की प्रवृत्ति का निवेदन है। आप स्वीकार करें न करें आप पर कोई दबाव नहीं। ये केवल अयोध्या का मंदिर नहीं है और केवल पृथ्वी का भी मंदिर नहीं है, ये त्रिभुवन का मंदिर है। उसकी ध्वजा फहरेगी तो आसमां झुकेगा, इसमें घंटनाद होगा तो देश नृत्य करेगा, पृथ्वी कीर्तन करेगी और उसकी परिक्रमा लोग करेंगे। तो क्या नहीं है, त्रिभुवनीय राम मंदिर है, केवल अयोध्या का राम मंदिर। मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा व्यक्तिगत भरोसे के अंदर और मैंने कहा सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तय। जब किसी वस्तु को स्थापित करने के लिए किसी साधु को किसी विद्वान को किसी आचार्य को कोई प्रमाण न मिले तब हमारे शास्त्रों ने कहा उसके अंतःकरण की प्रवृत्ति उसका प्रमाण है। तो मेरी तुम्हारे मोरारी बापू की दृष्टि में ये मंदिर त्रिभुवनीय राम मंदिर है। मैं इस दृष्टि से इसका आज नवमे दिन दर्शन करके आपसे विदा लूंगा। और मानस राम मंदिर तो ये मानस रामचरित मानस को ये भी राम मंदिर है। मैंने बीच में भी थोड़ा संकेत किया था, हमारे यहाँ कहा गया एकम सत
विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को चारों ओर से देखा गया, सभी एंगल से देखा गया, सभी कोणों से देखा गया। इसलिए भारत में एक बहुत बड़ी प्राचीन परंपरा रही कि परिक्रमा करें, इसका मतलब है उसको चारों ओर से देखें। एक ही सत्य को मनीषियों ने, आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने, विचारकों ने, विद्वानों ने, चिंतकों ने, दर्शकों ने, साक्षी रूप बैठे महापुरुषों ने अनेक रूप से देखा है। तो ये मानस, रामचरित मानस, वो स्वयं राम मंदिर है। और त्रिभुवन गुरु शिव ने गाया है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। किसने गाया? त्रिभुवन गुरु शिव ने गाया। इसलिए ये मानस स्वयं जंगम राम मंदिर है। मंदिर में जैसे बीच बीच में मैं किसी न किसी संदर्भ में आपसे बात करता रहा, मंदिर में नींव होती है, प्लिंथ होती है, द्वार होता है, गर्भगृह होता है, शिखर होता है, दंड होता है और ध्वजा फहरती है। तलगा जरड़ा को लगता है रामचरितमानस का सातों सोपान इसकी साक्षी है। बालकांड, ये जंगम राम मंदिर जो मानस राम मंदिर है उसकी नींव, बालकांड का एक शब्द उसकी नींव है। ये राम मंदिर बना इतने सालों से, ये बात चल रही थी, परमात्मा ने कृपा की और 22 जनवरी के पूरी दुनिया साक्षी है कि सबने दर्शन किए। लेकिन इनकी नींव क्या थी? नींव क्या है? नींव थी 140 करोड़ लोगों की अंतःकरण का उत्साह। पर 140 करोड़ तो मैं हिंदुस्तान को निगाह में रखते, भारतवर्ष को निगाह में रखते, इस मानचित्र को मेरी दृष्टि में रखकर कहता हूं, उत्साह। तो मानस स्वयं राम मंदिर है। हमारे यहाँ संस्कृत वांग्मय में, हमारे शब्दकोश में अयन का अर्थ होता है एक तो धाम, अयन मीन्स धाम, धाम राम अयन माने राम का धाम। अयन का एक अर्थ होता है मंदिर, अयन का एक अर्थ होता है भवन, अयन का एक अर्थ होता है प्रासाद। अयन के कई अर्थ शब्दकोशों में उपलब्ध है। ये रामायण, राम का अयन यानी राम का धाम, राम का प्रासाद, राम का भवन, और हम यहाँ शब्द जो लेकर बैठे, ये राम का मंदिर। अयन मीन्स मंदिर। प्रमाण, कुंद इंदु सम देह उमा रमण करुणा, हे महादेव आप करुणा के मंदिर है, या कृपा मंदिर है, दया के मंदिर है, दया के धाम है। तो ये चलता फिरता राम मंदिर मानस उसकी नींव है, और ये राम मंदिर त्रिभुवनी, ये राम मंदिर उसकी नींव है, जड़ चेतन का उत्साह। ये मत समझना कि हम लोगों ने ही ये उत्सव मनाया। आदरणीय दादाजी चंपत राय दादा, मैं दादा ही कहूंगा, मुझे चंपत राय जी कहने में संकोच हो रहा है, आप इतनी उम्र में मुझे बापू कह रहे हैं तो मैं आपको दादा तो कम से कम कहूं, नहीं फिर मुझे संकोच हो रहा है, इसलिए मैं तो कहूंगा चंपत राय दादा। आपने व्यवस्था भी की और सुविधा भी जुटाई। मैं समझ रहा हूं बहुत कठिन काम था, एक तो रोज लाख सवा लाख लोग ठाकुर के दर्शन के लिए एक नदी के प्रवाह की तरह आ रहे हैं, और न कोई शिकवा न कोई गिला, जाते समय चेहरा कुछ होता है और मंदिर में दर्शन करके आते समय चेहरा कुछ और ही होता है।
अब तो आप नवदीन यहाँ रहे हैं, लेकिन जब दर्शन करके उसी समय दर्शन करके सीधा ही आप ट्रेन पकड़कर अपने घर जाओ तो आपके परिवार को भी लगेगा कि ये बदल कर आया है। मैंने कल भगवान जो दर्शन किया, हमें ये सब की उदारता थी तो हमको बैठने का मिल गया, मैं बैठा। मैंने कहा कि मदन भैया मेरे साथ जो जो थे, मैंने कहा ये सतवा बाबा भी थे, सब थे। मैंने कहा कि आज मुझे लग रहा है कि पूर्णतः प्राण उतर चुका है, पूर्णतः प्राण उतर चुका है, कोई कमी नहीं बची। हम धीरे धीरे निकट निकट जाकर थोड़ा दर्शन में कर पाया, देहली पर मैंने पाया, उठने को मन नहीं कर रहा था। मंदिर में जाओगे तो कुछ और होगे, निकलोगे तो कुछ और हो जाओगे, क्योंकि उत्साह। क्या आप ये नहीं मानेंगे कि जब ठाकुर जी का पर्दा खुला और ये दर्शन 22 जनवरी को हुआ, तब क्या मनुष्य जाति ही उत्साहित रही होगी? जड़ चेतन सब, वरना ये घटना नहीं घटती। तो रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड, ये मानस राम मंदिर की नींव है और उसका नाम है जन जन का उत्साह। क्यों? बालकांड के समापन में एक बात आई है, सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गा वही सुनही तिन कह सदा उछा। ये नींव उत्साह बालकांड अलिखित है। इस रूप में मैं इस मंदिर का भी दर्शन करता हूं और त्रिभुवन मंदिर के रूप में भी देखता हूं और मानस मंदिर के रूप में भी देखता हूं। साहब नींव दादाजी ने कल पहले दिन बताया था कितनी पक्की नींव की गई है कि 1000 वर्ष तक उसको प्रकृति का कोई भी हलन चलन उसको छू न पाए। हमारा उत्साह इस त्रिभुवनीय राम मंदिर की नींव है। अब अयोध्या कांड दूसरा, ये प्लिंथ है, प्लिंथ है, बहुत मजबूत होनी चाहिए। उसके ऊपर दीवारें होंगी, दरवाजे होंगे, छत होगी, शिखर होगा, दंड होगा, ध्वजा फहरेगी। प्लिंथ क्या है? मेरी समझ में प्लिंथ है हम सबका प्रेम। कभी कभी आदमी में उत्साह बहुत होता है लेकिन प्रेम नहीं होता। प्रेम प्लिंथ है, प्रेम की बहुत जरूरत है। और दुनिया में प्रेम राज्य स्थापना की जिन जिन बुद्ध पुरुषों ने योजना बनाई सहज की, इनकी किसी ने सुनी नहीं, किसी ने नहीं सुनी, इतिहास गवाह है। लेकिन इसकी प्लिंथ ये प्रेम है। लोग कहते हैं कि बाप को बाप को अपना दायित्व निभाना चाहिए, बेटे को अपना, ये सब निभाना ही चाहिए, जरूर निभाना चाहिए, लेकिन एक दूसरे से प्रेम करना ये हम सब भारतीयों का सबसे बड़ा दायित्व है। एक दूसरे से रामराज्य का सूत्र क्या है? सब नर कर ही परस्पर प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। अपना अपना उत्तरदायित्व निभाना प्रेम से, प्रेम से। सीताराम जी और लक्ष्मण जी जा रहे हैं वन में, चले जा रहे हैं। अचानक एक प्रश्न जानकी जी के मन में स्फुरित हुआ। मार्ग संक्रमण के समय ठाकुर प्रभु एक जिज्ञासा है, आप पूछिए। लक्ष्मण जी को लगा कि माँ कभी पूछती नहीं, आज कौन बात है कि माँ प्रश्न कर रही। बड़ा प्यारा प्रश्न है जानकी जी का। वो पूछती है, तापस देश विशेष उदासी, त
तपस्वी का वेश लेकर, उदासीन व्रत लेकर आपने सभी राज्यों की सब वस्तु छोड़ दी है, आपने वलकल धारण कर लिया है, उदासीन व्रत ले लिया है। मैं पूछ सकती हूं ये धनुष बाण क्यों रखे हैं? ये धनुष बाण कोई तापस वृत्ति का उपकरण माना जाएगा? शास्त्र मना करेगा। एक तो तापस वेश, उदासी, वन में रहना है, फल फूल खाना है, वलकल पहनना, और धनुष बाण हाथ में रखना है। जानकी जी प्रश्न कर रही, ईश्वर देता है क्या? और आपको तापस वेश में यदि ये धनुष बाण लेकर वन में जाना पड़ता है, आप आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो फिर ये समझ में ना आता है, तो क्षत्रियों के हाथ में शोभा देता है और ये क्षत्रियों का काम है। कालिदास ने रघुवंश में लिखा है क्षत्रियों के तीन काम है। एक क्षत्रिय का काम है कि निर्बल को बल दे, दूसरा काम क्षत्रियों का है समाज में जो पीड़ित है उसके साथ एक रूप बनकर खुद भी पीड़ा सहन करने का जोखिम उठाए, एक क्षत्रिय का काम है। और समय पर शास्त्र आज्ञा करे ऐसे शस्त्र उठा लेना, युद्धाय कृत निश्चय। तो महाराज मेरे समय में नहीं, आप तो अभी तपस्वी तापस आप क्यों शोभा देता है क्या? देवी भगवान बैठ गए, बिठा दिए, थोड़ा आपको शांति से समझाना पड़ेगा। राम जी कहते कि एक साधु था, उसने अहिंसा का व्रत लिया था और कड़े थे, अहिंसा में ही डूबे थे। उसके पांच जो आते थे हिंसक प्राणी वो भी अहिंसक बन जाते थे। पतंजलि कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। एक दिन उसकी तपस्या और अहिंसा व्रत के कारण इंद्र का इंद्रा से हिलने लगा और देवराज इंद्र को लगा कि ये आदमी अपना व्रत में परिपूर्ण होगा तो मेरी सत्ता सलामत नहीं। और इंद्र एक सैनिक का रूप लेकर जहां ये महात्मा तप कर रहा है वहां आता है, हाथ में एक रत्न जड़ी तलवार है सैनिक के हाथ में। उसने महात्मा को कहा कि ये तलवार रखो, मैं काम के लिए जा रहा हूं, मैं आकर के फिर ले जाऊंगा, आप इतना रखो। साधु ने कहा मैं अहिंसा व्रत लेकर खड़ा हूं, मैं शस्त्र को छूता नहीं, मैं छूंगा नहीं। अरे महाराज आपको छुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप निगाहें रखो, कोई ले न जाए। इंद्र की योजना थी उसका स्खलन करने की। कथा कहती है बहुत वो कहता है, फिर इतना समाधान हुआ कि आप इधर रख दो, बस मैं छूंगा नहीं। ठीक है आप जल्दी आना, बोले हमें जल्दी आ जाओ। इंद्र सैनिक के रूप में गया, 2 घंटे 5 घंटे आया ही नहीं। साधु को दोपहर का फलाहार का समय हो गया और एक समय में ही फलाहार करता तो समय बीत जाने के बाद उसका उपवास लग जाता था। वो प्रतीक्षा कर रहा है कब आए कब आए। एक क्षण तो हुआ कि मैं झोंपड़ी में जाकर फलाहार कर लूँ, फिर चिंता हुई कि वो मेरे भरोसे तलवार रख कर गया है, कोई आकर तलवार चुरा करके ले जाए तो उसका भरोसा टूटेगा। तो कथा कहती है छूना तो नहीं, छू नहीं सकता। फिर उसने एक वलकल का टुकड़ा लेकर वलकल से तलवार को छुआ और ले गया। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, इंद्र आया ही नहीं। और ये महात्मा बेचारा तलवार वलकल में पकड़ करके, माला छूट गई थी और तलवार लेकर घूमता रहा। उसके बाद ये तलवार भले ही बीच में वलकल है,
लेकिन कुछ तो अणु परमाणु उसके हाथ को छुआ होगा। फिर इस महात्मा को, इंद्र तो चला गया था, उसको तो उसका ही भंग करना था, चला गया था, लेकिन ये महात्मा वलकल से पकड़ कर घूम। एक दिन महात्मा को लगा कि जरा एक इसके क्या होता होगा, तो महात्मा जा रहा था तो एक वृक्ष की शाखा जरा नीचे झुकी, ये महात्मा की जटा पर टकराने की तैयारी थी, तो इस महात्मा ने इस तलवार से ऐसा किया, शाखा काट दी। फिर दो दिन निकल गए, कोई हिंसक प्राणी उसके सामने आए तो उसने प्रहार किया, करते 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 महात्मा शस्त्र से इतने अभ्यस्त हो गए, इंद्र की योजना सफल। मेरे भाई बहन, जाते समय कहूँ, हाथ में पवित्र वस्तु रखने से पवित्रता बढ़ती है, और जो हमारे उत्तरदायित्व में, जो भजन के समय जो उपकरण हमारे लिए योग्य नहीं, ऐसा पकड़ने से हमारा पतन शुरू हो जाता। तो महाराज, आप कह रहे हैं कि ये महात्मा का दृष्टांत दिया, तो आप क्यों हाथ में पकड़ रहे हैं, आप क्यों रहे? मोबाइल हाथ में होगा तो घुमाता रहेगा, एक भाई को आदत थी, मैं घुमाएगा, कोई इधर करे कोई इधर करे, हाथ में है तो कुछ न कुछ ये संक्रामक रोग है। तो जानकी ने तर, जानकी परम विदेहराज जनक की बड़ी विदुषी है हमारी माँ, तो फिर आप क्यों हाथ में धनुष बाण रखते हो? आपने कहा कि साधु को भजन के समय ऐसे उपकरणों को छुआ नहीं चाहिए जो उसके जीवन में वृत्ति में विरोध करे, वृत्ति में कुछ गड़बड़ करे, तो क्यों रखते? हाँ, चलते चलते बात करे किशोरी, चलो जानकी जी चल रही। और फिर दूर से ठाकुर जी ने कहा कि ये ढेर है वो क्या है? सीता जी ने कहा ये ढेर या तो मिट्टी का होगा या पत्थरों का होगा। निकट गए तो जानकी जी ने जब ढेर देखा तो जनक नंदिनी के मुख से एक चीख निकल गई, नहीं, भगवान ये क्या है? क्योंकि सीता जी ने कहीं कंकाल देखे, कहीं नरमुंड देखे, कहीं अस्थियां देखी, कहीं कहीं खबर नहीं आ, इंसान के कटा हुआ शरीर, मरे हुए हड्डियां, ये सब देखा। सीता जी ने कहा कि ये क्या है, ये क्या है? तब प्रभु ने कहा, देवी तुमने कितने ऋषि मुनियों के दर्शन किए जरा गिनकर बताओ। बोले एक तो हमारे कुल के पुरोहित शतानंद जी, वो तो रोज हमें दर्शन, हमारे कुल के पुरोहित, समय जाने के बाद हमें विश्वामित्र जी के दर्शन हुए, बीच में परशुराम महाराज के भी दर्शन हुए, हमारे ब्याह के लिए महाराजा अवधपति बारात लेकर आए, साथ में वशिष्ठ वामदेव आदि सब आए, इनके भी दर्शन हुए। हम वन में निकले प्रभु तो हमें भरद्वाज जी के दर्शन हुए, वाल्मीकि जी के दर्शन हुए, और आगे बढ़े तो अगस्त्य ऋषि के दर्शन हुए। तो सीते, क्या इस वन में इतने ही महान ऋषि रहते थे? मतलब तुमने मैंने जितने इनसे कई पहुंचे हुए ऋषि मुनि इस जंगल में रहते थे, लेकिन निशिचर निकर सकल मुनि खाए, तुलसी हस्ताक्षर करते राक्षसों ने ऐसे ऐसे पहुंचे हुए महापुरुषों को मार कर हिंसा करके उसकी हड्डी हड्डी कर दी धरती को, और उसका रुधिर पिया और अभक्ष भक्षण किया, ये इसी का ढेर है। देवी मैं समझता हूं कि तापस वेश में मेरे हाथ में तलवार शोभा, ये धनुष बाण शोभा नहीं देता, लेकिन मैंने क्यों रखा है? बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं राम जी कि समंदर में मछलियां तैरती है, इसका कोई गुना है? फिर भी मछुआरा उसको क्यों मारता है? दूसरा दृष्टांत, निर्दोष हिरण जंगलों में छलांग लेकर ऐसे घूमते हैं,
उसने कोई गुनाह किया है? बोले नहीं। तो व्याध उसको क्यों मारता है? मेरे देश के ऋषि मुनियों ने कोई गुनाह किया है सीता? नहीं। तो फिर ये असुर उनको क्यों मारते हैं? और इस असुर भविष्य में कोई ऋषि मुनि की साधना का अथवा तो सत्वशील महापुरुषों की जीवन यात्रा में बाधा न डाले, इसलिए मैं धनुष बाण लेकर निकला, इसलिए मैंने ये लिया। और भरोसा रखिया, वो महात्मा को तो संक्रामक रोग लगा, मैं तो ये धनुष बाण, मेरा अवतार कार्य जब पूरा हो जाएगा और जब हम अयोध्या लौटेंगे तो वशिष्ठ जी के चरणों में रख दूंगा और कहूँगा कि जब तक शस्त्र की जरूरत पड़ी मैंने धारण किए और शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ी, और मुझे लगा कि अब शस्त्र की जरूरत नहीं, अब शास्त्र वेता के चरणों की जरूरत है, तब मैं ये कर रहा हूँ। इसी रूप में कभी कभी प्रेम को जगत में प्रतिष्ठित करने के लिए, प्रेम राज्य करने के लिए भी, देखो यहाँ एक मकान बनाना है तो यहाँ जो भी अनगढ़ पत्थर पड़े हैं, उखड़ बुखड़ जमीन है, तो उसको ठीक करनी पड़ेगी। समाज में राम राज्य स्थापित करने के लिए प्रभु ने धनुष बाण धारण की, और इसका मतलब है प्रेम राज्य के लिए प्रेम ही प्लिंथ है, प्रेम ही प्लिंथ है। क्या हम संकल्प करके जाएंगे कि कुछ भी हो जाए हम कभी एक दूसरे से द्वेष नहीं करेंगे, हम प्रेम करेंगे, क्योंकि हम त्रिभुवनीय राम मंदिर के राम के दर्शन करके आए, ये संकल्पित होने की जरूरत। और जब आदमी अपना उत्तरदायित्व के रूप में ये सूत्र पकड़ कर जाएगा तो धन्य हो जाओगे। बहुत भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उत्तरदायित्व निभाओ। मेरे लिए देश के लिए मेरा उत्तरदायित्व क्या है, मेरे समाज के लिए उत्तर, मेरे शास्त्रों के लिए, मेरे मंदिरों के लिए, मेरे तीर्थों के लिए, मेरी तीर्थ रूपा नदियों के लिए, मेरी वनस्पति 18 बार वनस्पति के लिए, मेरा भूखंड के लिए और त्रिभुवन के लिए। भगवान प्रणाम प्रणाम विराज। महाभारत में एक कथा आती है कौशिक की, एक मुनि की, बड़ी सिद्धि प्राप्त की थी आपने। एक बार किसी वृक्ष के नीचे बैठे थे तो बगुला ने बीट की और उसकी जो उसके पर पड़ी, और ये महात्मा सिद्धि वाले थे तो एकदम गुस्से में आ गया और सिद्धि के कारण उस बगुले को जलाकर भस्म कर दिया। बोलो। और उसको लगा कि मेरी सिद्धि परिणाम ला रही है, प्रमाण मिल गया कि मेरी सिद्धि के कारण मैंने मुझ पर जो ये डालने वाले को जला दिया। कौशिक आगे निकलते हैं और एक पतिव्रता स्त्री अपने घर में अपना उत्तरदायित्व निभा रही है, वहां आते हैं भिक्षा के लिए। उस नारी ने भिक्षा देने में थोड़ा विलंब कर दिया और इस सिद्ध महात्मा को गुस्सा आ गया। उसने कहा इतना विलंब क्यों करती है, जल्दी कर। उसने कहा महात्मा मैं बगुली नहीं हूं कि तूने शाप देकर जला दिया, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मेरे पति के लिए मुझे क्या मेरा उत्तरदायित्व है वो निभा रही हूं, इसलिए आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। ओ उत्तरदायित्व निभाने का इतना परम फल है। हाँ बोले तो जरा जल्दी बताओ उसके बारे में कुछ विशेष। बोले मेरे पास इतना समय नहीं है, समझना है तो तुलाधार वैश्य के पास जाओ। यहां तीन, एक गृहस्थ जीवन का उत्तरदायित्व, एक व्यापारियों का उत्तरदायित्व, उद्योगपतियों का धर्म। तुलाधार ईमानदारी के साथ अपनी दुकान पर तुला लेकर बैठा है, न बेईमानी न कुछ, और ऐसे और वो तुलाधार के पास महात्मा जाता है। तुलाधार को कहा कि भाई तू इसका रहस्य बता। बोले मुझे भी मेरे ग्राहकों की लाइन लगी है, ईमानदारी से मेरी ये पूजा, मेरा व्यापार नहीं मेरी पूजा, ये सब हमें सीखना है, इसका रहस्य ज्यादा सीखना है। तो धर्म व्याध जो कसाई है उसके पास, बड़ा लंबा कथानक हम सुनते रहते।
मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ अपना उत्तरदायित्व, बाप बेटे का, माँ बेटे का, भाई भाई, ये तो है, लेकिन सबसे बड़ा हमारा और आपका उत्तरदायित्व है प्रेम राज्य में सब नर कर ही परस्पर प्रीति प्रेम, और प्रेम है इस राम मंदिर की प्लिंथ, उत्साह है उसकी नींव। भरत चरित कर नैम तुलसी जैसा दर्शु नहीं, तो सी ये राम पद प्रेम ये प्लिंथ है, अवसी हो ही भवरस बिरती। प्रेम है मार्ग वैराग्य का, प्रेम है द्वार विरक्ति का, बेक पैरा भी दे प्रेम। तो उत्साह नींव है इस राम मंदिर की, मानस राम मंदिर की, और प्रेम है प्लिंथ। मुझे कहने दो, सत्संग है द्वार। कल मैंने दादाजी, कल मैंने मुझे पुजारी जी ने भी कहा, और वहाँ के बापू आपको समय हो तो पूरा मंदिर जरा चारों ओर से देख लेना, देख लो ना। तो हमने कल एक थोड़ी सी परिक्रमा की और मंदिर के अणु अणु के दर्शन किए। जिन 4000 कारीगर इसमें लगे हैं और जो उनके लीडर हो, मुझे लगता है कि सब में कहीं ना कहीं विश्वकर्मा की चेतना उतरी होगी। मायका लाल चूक नहीं निकाल सकेगा, और कोई निकाले तो समझना कि ये स्वयं ब्रह्मा की चूक है, उसको जन्म ही नहीं देना चाहिए था, ये ब्रह्मा ने चूक की कि उसको प्रकट किया ऐसा। इसलिए मैं इसको त्रिभुवन राम मंदिर कहता हूं, नॉट केवल एक खंड का है, त्रिभुवन ही है राम मंदिर। लेकिन कितने द्वार है ये मैंने देखा। तो इस राम मंदिर का, मानस राम मंदिर का द्वार है सत्संग। दीप सिखा सम ज्योति जन मन जनि होसी अरण्य कांड, ये द्वार है। बस राम तज काम मद कर हूं सदा सत्संग। और योगी वासिष्ठ में लिखा है कि मोक्ष के 4 दरवाजे हैं राम, इनमें चौथा दरवाजा सत्संग है। राम मंदिर जो मानस है उसका द्वार है सत्संग। उसके बाद गर्भगृह, चौथी घटना गर्भगृह में जैसे पुजारी अर्चक लोग प्रवेश करें, वो है नीलोत्पल तनु श्याम काम कोटि शोभा अधिक। सुनिए तासु किस्किंधा कांड उसका खुलासा करते हैं कि सत्संग करते 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 नीलोत्पल तनु श्याम, ये जो वर्ण है, काम कोटि शोभा अधिक, करोड़ों कामदेव से भी उसकी शोभा अधिक है। सुनिए तासु गुण ग्राम, सत्संग करते करते, साधु का संग करते करते, इस परमात्मा के गुण ग्राम को ग्रहण करना, ये है मानस राम मंदिर का गर्भगृह। आज मुझे जिज्ञासा किसी ने पूछी है, बापू हनुमान के हृदय में भगवंत का स्थान है, भगवंत के हृदय में साधु का स्थान है, साधु के हृदय में हम अपना स्थान कैसे बनाएं, साधु के हृदय में हमारा स्थान है इसका क्या प्रमाण है, साधु के हृदय में हमारा स्थान, ये तो बड़ा बहुत बहुत प्रश्न पूछे, इतना में जाने का आज अवसर भी। लेकिन गर्भगृह में जाऊं, गर्भगृह है सुनिए तासु गुण ग्राम। हम 9 दिन से राम के गर्भगृह में बैठे हैं, कथा सुनी जा रही है, गाया जा रहा गर्भगृह में, उत्साह प्रेम सत्संग और इनके गुणग्राम ग्राम की चर्चा हो रही। उसके बाद आता है शिखर। शिखर क्या है इस मानस राम मंदिर का? शिखर है इतना करने के बाद उत्साह प्रेम सत्संग गुणग्राम और शिखर है
धीरे 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 शिखर की तरह हमारा ऊर्ध्वगमन, हम ऊंचाई पकड़ते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, ये धीरे 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 इस जगत के माइक पदार्थों से ऊपर उठने की इस सीख देता है मानस राम मंदिर। यह है शिखर और दंड है लंका कांड, समर विजय रघु, जिसमें मैंने कल चर्चा की कि विजय और विभूति सबको मिले भगवान करे, लेकिन सबके हृदय में विजय और विभूति के बीच में विवेक होना बहुत जरूरी है। यह है दंड। और मुझे कहने दो, मानस चलता फिरता राम मंदिर, उसकी ध्वजा है उत्तरकांड, प्रिय लागहु मोहि राम, मुझे मेरा राम प्रिय लगे, मेरा इष्ट मुझे प्रिय लगे, मैं उसका नाम बोलूं और मेरे केमिकल्स बदल जाएं। भगवान ऋषिकेश की गंगा के तट पर एक बनी घटना, एक साधु बैठता था, मेरा एक फ्लावर उसके पास गया था और उसने कुछ प्रश्नावली की, फिर साधु ने जो बताया इस फ्लावर ने सुना, इस फ्लावर ने एक मेरे दूसरे फ्लावर को ये बात की लंदन से, और ये दूसरे फ्लावर ने मुझे पूरी घटना लिखकर मुझे भेजी कि बापू ऐसा हुआ। एक महात्मा बैठे थे, जवान थे, वो कथा का श्रोता, व्यासपीठ का प्रेमी, ऋषिकेश की यात्रा पर था, उसने लिखा है आपके यहाँ आरती में भी उसने हिस्सा लिया, मैं वहां भी गया, किनारे किनारे घूमता रहा, अचानक इस महात्मा के पास गया। दो तीन दिन मैंने देखा है कि महात्मा गंगा के तट पर ही ज्यादातर बैठा रहता। एक दिन मैंने पूछा कि महाराज आपका आश्रम कहाँ है, बोले मेरा आश्रम वहां थोड़ा आध किलोमीटर दूर। अच्छा, आपके गुरु, बोले उसका भी यहाँ ही आश्रम है लेकिन वो 5-10 किलोमीटर इससे दूर है। और इस युवक ने मुझे लिख कर दिया कि इस महात्मा के पास न माला थी, न भगवत गीता, न रामचरितमानस, कुछ नहीं था, लोक मर्यादा के लिए दो वस्त्र थे, बाकी कुछ नहीं। वो युवक लिखता है कि बापू हमने इस साधु को पूछा कि आपके पास तिथि वार देखने के लिए कुछ नहीं है, समय के लिए घड़ी नहीं है, तो आप गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के दर्शन के लिए जाते हैं? बोले हाँ। तो कैसे पता लगता है कि आज गुरु पूर्णिमा है, आप तो कुछ रखते नहीं, जनसंपर्क आपका है नहीं, ये तो मेरा भाग्य कि आपके पास आ गया और आपने मुझे इतना समय दिया। उसने कहा मुझे खबर नहीं है। सीखने जैसा जवाब इस साधु ने दिया कि मुझे मेरा गुरु याद आए और मेरी आंख में आंसू आए, तब मैं समझता हूं आज मेरी गुरु पूर्णिमा। और मैं 1-2 घंटे रोता रहूं तो मुझे लगे कि मैं गुरु पूर्णिमा में डूबा हूं। एक पंक्ति में गाया करता हूं, वो जब याद आए बहुत याद है, वो जब, वो माने कौन, अपना गुरु, अपना बुद्ध पुरुष, चरा गए जिंदगी के अधे चरा गए मोहब्बत जला Oh.
की स्मृति आती है, स्मरण होता है और मेरी आंख में आंसू आए, उसी को मैं गुरु पूर्णिमा मानता हूं। यह ध्वजा मानस राम मंदिर की, प्रिय लागे हूं मोही राम। हम उसको प्रिय लगे कि नहीं, वो तो वो जब कहे तब पता लगे। हमको तू प्रिय लगे। मेरा का एक पद है, पैरवी का, हे गोविंद हे माधव, तू हमें प्रेम करे कि न करे, तू हमें छोड़ भी दे 11 साल के बाद, चला जाए मथुरा, मथुरा से तू द्वारका चला जाए, द्वारका से तू प्रभास चला जाए, प्रभास से तू निर्वाण को प्राप्त कर ले, हम कहां जाए। मीरा ने बड़ी 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 पीड़ा के साथ ये पद गाया। रामायण जगत के एक बहुत शास्त्रीय संगीत के साथ और बहुत शास्त्रीय अर्थ निकालने वाले एक रामायणी हुए, दामोदर दत्त शास्त्री जी, बड़े पहुंचे हुए रामायण। वो अपनी कथा के प्रवचन के बाद अंत में यही भैरवी करते थे। मैं छोटा था तब उनको सुनने के लिए महुआ में जाता था, एक महाजन वाड़ी में दूर आपकी तरह कहीं बैठ जाता था और मैं सुनता था उसकी ये भैरवी। तोरी प्रीत तू कृष्णा कौन संग, कृष्णा कौन संग, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तो रे, तोरी प्रीत ओ कृष्णा। तू सर्वसमर्थ है प्रभु, नंद कुमारों में स्वामी नी वृषभान, तू तो प्रभु है सर्वसमर्थ, तू तोड़ भी दे, हम कैसे तोड़े, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि तुझसे बिछड़ जाए तो फिर किसे जुड़ेंगे, कहां जाएंगे, किसके साथ जुड़े। तुम मुझे भूल भी जाओ तो यह हक है तुमको, लेकिन मेरी बात और है, क्योंकि मैंने तो मोहब्बत की है। ये जो तू मुझे प्रिय लगे, ये मानस राम मंदिर की ध्वजा है। मीरा कहती है, तुम भय मोती कृष्णा मैं भई धागा, तुम तो मोती हो लेकिन आपको स्मरण रहे कि धागे के बिना मोती बिखर जाएंगे, हम धागे हैं प्रेम का धागा। तुम भय मोती कृष्णा हम भाई के भागा, तुम भय सो के बासी, तुम मेरे ठाकुर मेरी दासी, मैं तो तेरे। इसी भाव का एक पद विनय पत्रिका में गोस्वामी जी भी लिखते, जो तुम तोड़ो राघव हो नहीं तोड़ू, जो नहीं त्यागो राघव
ओ नहीं त्यागो। आप तो छोड़ सकते, हम कैसे छोड़े इस भाव को। मैं मानस राम मंदिर की धजा कहता हूँ, प्रिय लाग हूँ मोहि राम। तो ये मानस है चलता फिरता राम मंदिर, तो विचार का केंद्र बिंदु बनाया था इस कथा का मानस राम मंदिर। इष्ट कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, यथा समय ग्रंथों के दर्शन से, आप सभी के आशीर्वाद से और महत्ति गुरु कृपा से मैंने आपके सामने 9 दिन संवाद किया राम कथा को केंद्र में रखते हुए। मैं भी इस कथा को समापन की ओर लिए चलूं, इससे पहले केवल इतना ही, मानस भी राम मंदिर है वो मुझे कहना था। समर्थ स्वामी रामदास जी का एक ग्रंथ है मनाचे श्लोका। बाबा मनाचे श्लोक है ना, मनाचे श्लोक। वो कहते थे कि ये जो छोटा सा ग्रंथ है, युवाओं को कहते थे, किसी को दिया आपने कि लो ये पढ़ना, वो मराठी में। वो कहता है कि मुझे तो मराठी आती नहीं। तो बोले तू एक काम कर, ये छोटा सा ग्रंथ है वो तेरी जेब में रख, तेरे पर्स में रख, तेरे साथ रख, भले तुझे पढ़ना ना आए, इसका स्पर्श तेरी पवित्रता में वृद्धि करेगा। मैं कहता हूं इस मानस राम मंदिर का छोटा सा गुटका अपनी झोली में रखा करो, भगवत गीता की छोटी सी रूप अपनी झोली में रखा करो। अच्छा तो जो आपका इष्ट ग्रंथ हो, मुझे मेरी व्यासपीठ कभी संकीर्ण नहीं हो सकती, आपका जो इष्ट ग्रंथ मुबारक। पवित्र वस्तु का सामीप्य सानिध्य हमें पवित्र करने में बहुत मदद करता है। अने एने बदले तमे गांजो राखो खिसामां, रस राखो, या तो कोई इधर उधर की बॉटल रखो, अथवा तो कोई नशीले पदार्थ रखो तो वो भी अपना काम करेगा। मनाचे श्लोक समर्थ रामदास भगवान कहते, युवक तू तेरे पास रख, ये तुझे पवित्र करने में बहुत मदद करेगा। मेरे कहने का मतलब इस मानस राम मंदिर की, यहाँ जो मूर्ति है, इतनी मूर्ति तो हम थोड़ी कोई बनाएगा भी चलो, लेकिन कितनी कितनी छोटी छोटी तस्वीरें आज ठाकुर जी की बिक रहे, तो ये मानस स्वयं राम मंदिर है, उसका छोटा सा रूप, भगवत गीता का छोटा सा रूप, भागवत का छोटा सा रूप, शिव पुराण का, देवी पुराण, अरे भगवान वेद, उनके षडांग, ये सब में कुछ न कुछ मेरा देश का युवा साथ में रखे। तो ये था मानस राम मंदिर, 9 दिन तक हमने संवाद किया, आज बहुत सी जिज्ञासाएं भी थी। और ये हाँ, हमारे एक श्रोता ने मुझे लिखकर भेजा है कि बापू रामचरितमानस इष्टदेव शब्द 7 बार आया है। इष्टदेव मम बालक का एक अर्थ सूर्य होता है, बाल का भी एक अर्थ सूर्य होता है, रघुवर बाल पतंग, बाल सूर्य, सुबह का सूर्य उसको बाल पतंग कहते हैं। तो बालक ब्रह्म ही ग्रहादि कहीं परस्पर मिथ्यावादी, तुलसीदास जी चौपाई। तो सूर्य के जो 7 घोड़े हैं, उनकी 7 जो किरण हैं सूरज की, हमारे यहाँ 7 तो प्रकाश के जो केंद्र बिंदु है सूर्य, उसकी 7 घोड़े मानी 7 रश्मि। उपनिषद में जाते हैं तो अग्नि भी प्रकाश का स्वरूप है, अग्नि की 7 जिह्वा उसके 7 जीव है, और चंद्रमा वैसे 16 कला मानी जाती है, लेकिन उसमें भी 7 ही किरण का ज़्यादा महत्व है, जो शीतल हो, सुखद हो, आह्लादक हो, हमारे अंतःकरण को एकदम उभरो आवे, जैसे चांद पूर्णिमा का देखकर समंदर लहराता है, ऐसे उमंग तरंग, ये सब उनकी किरणें हैं चंद्र की।
काकभूषण जी कहते हैं इष्ट देव मो बालक राम, क्योंकि काकभूषण जी ने ये अग्नि स्वरूपा सूर्य, अग्नि स्वरूपा चंद्र, अग्नि स्वरूपा अग्नि, इन तीनों के साथ 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 21 किरणों ने काकभूषण जी को दीक्षित कर दिया, इसलिए वो कहता है इष्ट देव मम बाल। तो यहाँ इष्ट देव शब्द भी 7 बार ही आया है, ऐसा मेरे श्रोता ने लिखकर स्वाध्याय करके भूल चूक लेवी देवी, हाँ, क्योंकि शास्त्र में किसी का अधिकार नहीं होता है, शास्त्रों का हम सब पर अधिकार होता है, ये याद रखना, हमारा कोई भूल चूक हो सकती है, लेकिन मेरे पास जो लिस्ट आया कल कि बापू मानस में 7 बार इष्ट देव शब्द का, मैं आपको ये बोल दूं, भगवान शंकर कहते हैं बालकांड में इष्ट देव मम बालक, सॉरी सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, पहली बार इष्ट देव शब्द। फिर माँ कौशल्या जी राम को पलने में सुला करके बाल राम जी को और अपने इष्ट देव भगवान की पूजा करने, तब गोस्वामी जी ने लिखा निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन्ह स्नान, दूसरी बार इष्ट देव। तीसरी बार रंगभूमि में धनुष भंग के समय हरि भक्तन देखे दो भ्राता इष्ट देव इव सब सुखदाता, राजा महाराजा सब धनुष तोड़, इनमें जो साधु स्वभाव के लोग उसको राम मानो इष्ट देव जैसा लगा, अपना अपना इष्ट देव ऐसा लगा। ये तीसरी बार इष्ट देव शब्द का प्रयोग, परिकर बांधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिर, तामसी राजा धनुष भंग करने के लिए एकदम कमर कसके उठते हैं और अपने अपने इष्ट देव, किसी के गणेश इष्ट देव, किसी को फला फला उसको याद करके करके उठते, तो वो भी एक बार इष्ट देव शब्द आया। इबाल कांड में सब, अयोध्या कांड में सजल नयन तन पुल की निज इष्ट देव पहचानी परे उदंड जिमि धरणी तल दशान जाय देखना, अयोध्या कांड में वहाँ इष्ट देव का शब्द आया। लंका कांड में इष्ट देव में से बल रथ पायऊ सौ बल तातन तो ही देखाऊ वहाँ आया, और इष्ट देव मम बालक रामा शोभा वपुष कोटि। तो ये 7 बार की ये अग्निवाचक तत्व है, प्रकाशवाचक तीनों सोम सूर्य और अग्नि, इसके 7 विभाग हैं। ये तो मुझे बताया गया तो मुझे मेरा ध्यान नहीं था कि 7 बार इष्ट देव है कि नहीं, ये तो उसने लिख कर दिया तो मुझे प्रमाण मिल गया। मैंने आपको परसों भी कहा कि जब शुद्ध हृदय से हम भजनी का स्मरण करते हैं तो अस्तित्व मदद करती है, पूरी प्रकृति हमें सहाय करने में जुट जाती है, ये प्रमाण है। तो ये केवल आपकी जानकारी के लिए मुझे जो जानकारी मिली, सो तो ये 2 पंक्तियां जो बीज रूप में थी, एक चाबी के रूप में थी, वो मैंने आपके सामने रखी और इसका विस्तार सहज हुआ, और अब हम इस कथा को विराम की ओर ले चले। थोड़ा क्रम उठा लो बाप, कल तक हमने ये कथा का गायन कर लिया, आज हमारे भगवान कह रहे थे कि बापू लिंबुनी में और खटमंडू में आपने कीर्तन करवाया, आप भी नाचे हमें भी नचाया, तो यहाँ भी नचाए, लेकिन आज सबको जल्दी जाना है और नाचने लगे तो फिर नाचते रहेंगे और ट्रेन चली जाएगी, हवाई जहाज चले जाएगा, ये सब हो सकता है, लेकिन कहीं और जगह हरि कीर्तन के समय यहाँ, लेकिन मैं बीच में तो नाच लिया, नीचे उतर चुका था, खाली घुंघरू बांधना ही बाकी था, बाकी तो सब कुछ ये बात है। अब मोहब्बत हो गई और जाने का समय आ गया, बाबा से मोहब्बत हो गई और जाने का समय, Oh,
तो बाप, कल हमने अति संक्षेप में कथा के प्रसंग का अवलोकन करके आपके सामने गा कर रख दिया। कागभूषण जी जैसे बुद्ध पुरुष ने पक्षीराज गरुड़ के सामने कथा को विराम दिया, तब मुझे गाने, ए बाबा मुझे गाने दो और जाने दो, बैठ जा। अच्छा अच्छा बाबा, आसन ग्रहण करो बाबा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, ना 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 वैसे प्रणाम, क्योंकि बैठोगे तो फिर उठोगे ना आप, एक बार बैठ जाएंगे तो फिर अवसर आते आप उठ सकोगे, इसीलिए बैठिए, प्रणाम। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। तो बताओ, मैं तो शांति रख। तो बाप अपने बुद्ध पुरुष के चरणों में प्रणाम करके खगराज गरुड़ वैकुंठ की ओर गति कर रहे हैं। अपने बुद्ध पुरुष से कथा सुनकर गरुड़ प्रणाम करके कहते हैं कि मैं प्रति उपकार क्या करूं, आपने मुझे भगवत कथा सुनाई, मेरे सब संशय मिटा दिए, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं प्रति उपकार कर सकूं, मेरे पास अब केवल आपके चरणों में बार बार प्रणाम करने के सिवा और कुछ नहीं है। और मानस में लिखा है, कथा सुनने के बाद गरुड़ के पंख फूलने लगे। इसका मतलब तलगा जरड़ा को लगता है कि कथा सुनने के बाद हमारा हौसला बढ़ना चाहिए, हमें उड़ान भरनी चाहिए, इस प्यारी पृथ्वी के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे सुंदर विश्व के लिए एक उड़ान, एक उत्साह बढ़ना चाहिए। गरुड़ जी वैकुंठ गए कथा सुनकर। भगवान याज्ञवल्क ने ये कथा प्रयाग में भरद्वाज जी को सुनाते सुनाते उसको विराम दिया कि नहीं मैं हर वक्त बोलता हूं, उसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है मानस में। तब इसी निष्कर्ष पर आना पड़ता है कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी निरंतर प्रवाहित है, पर कथा भी गंगा है। कई प्रकार की नदियों के साथ कथा की तुलना गोस्वामी जी ने की है, तो नदी बहती रहती है। वैसे प्रयाग में जो कथा कर्म की पीठ पर कही गई वो कथा आज भी चलती होगी, काश हमारे कान सुन पाए। तो उसका पूर्णाहुति का कोई उल्लेख मानस में नहीं है। उसके बाद परम आचार्य त्रिभुवन गुरु भगवान शिव कैलाश के शीतल शिखर पर बैठे हुए पार्वती को ये कथा सुना रहे थे और पूछा, देवी अब आपको कुछ सुनना है? पार्वती कहती है, महाराज आपकी वाणी सुनते हम आघाते नहीं, तृप्ति नहीं हो रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूं प्रभु, मैं कृतकृत्य भय अब तव प्रसाद विश्वेश। एक बार शिव ने जानकी जी को कहा था, मैं कृतकृत्य हो गया, आज पार्वती शिव को कहती है मैं कृतकृत्य हो गया। आप कहेंगे कि शिव ने कब जानकी जी को कहा मैं कृतकृत्य हो गया, शिव शंकर है,
और ये शंकर हनुमान है, और हनुमान जी के रूप में सुंदरकांड में जब माँ ने आशीर्वाद दिया तो हनुमान जी ने कहा, अब कृतकृत्य भयउ मैं माता, हे माँ मैं कृत, यहाँ शिव जानकी के परम शक्ति के सामने, परम शांति के सामने, परम भक्ति के सामने अपने आप को कृतकृत्य महसूस करते हैं, और यहाँ शक्ति स्वरूपा दुर्गा शिव के सामने कहती हैं, मैं कृतकृत्य भयउ अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। मेरे हृदय में राम भक्ति का उदय हुआ और मेरे पतंजलि कथित पांचों कलेश नष्ट हो गए। शिव जी ने मानो कथा को विराम दिया। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को विराम देते समय पूरी कथा का सार, पूरी कथा का निचोड़, इसका अर्क हम सबको सातों सोपान का एक सार दो पंक्ति में तुलसी अपने मन को कथा सुनाते समय और महात्माओं को कथा सुनाते समय, एक लिकान स्वामी जी कहते हैं इस कलिकाल में हमारे जैसे लोग के लिए और कोई दूसरा साधन नहीं, जो योग योग में अपनी निष्ठा हो, योगा करते हो उसको तो प्रणाम करना चाहिए, लेकिन हमारे जैसे जीव कहाँ योग कर पाते हैं। योग यज्ञ जो यज्ञ करते हैं, वैदिक यज्ञ, पौराणिक यज्ञ, जप यज्ञ जो कहो वो धन्य है, हमारे लिए प्रणम्य है, लेकिन हमारे जैसे जीव यज्ञ भी कहाँ कर सकते हैं। योग यज्ञ जप तप, बड़े बड़े महात्मा लोग तपस्या करते हैं, हम ये भी नहीं कर पाते। एकलिकाल अनुसाधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत, बड़े बड़े व्रत के अनुष्ठान नहीं कर सकते, न घंटों तक पूजा पाठ कर सकते, तो हम करें क्या, तीन वस्तु करें। राम ही सुमीरिये, राम का स्मरण करें, जप यज्ञ जोग जप तप ये न हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम न कर पाए तो तीन ही वस्तु शास्त्र के समापन में। राम ही सुमीरिये, राम का स्मरण, अपने अपने इष्ट का स्मरण। राम ही सुमीरिये गाइये राम, राम का गायन, संतत सुनिए राम, और निरंतर संतत राम गुणगान सुने, जिसको व्यासपीठ कहती है राम का स्मरण वो सत्य है, राम सत्य है।
आखिर में भी लोग कहते भाई राम बोलो, राम 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 से वो चलता है। तो राम है सत्य, विग्रहवान धर्म साधु सत्य परात्रम। तो राम का स्मरण ये सत्य है। लोग कहते हैं ना राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, राम का स्मरण ये सत्य है, राम को गाना ये प्रेम है। कोई भी आदमी प्रेम करेगा तो गाए बिना नहीं रह सकता, स्वाभाविक है। फिर सुर में हो ना हो कुछ भी हो लेकिन गाएगा, नाचेगा, मुस्कुराएगा। मीरा ने गाया, चैतन्य ने गाया, नरसिंह मेहता ने गाया, गुरु नानक देव ने गाया, मर्दाना छेड़। जो प्रेम करता है गाता है। तो राम को गाना वो हो गया प्रेम। और निरंतर कथा का श्रवण ये तो किसी की करुणा हो तभी ही हो सकता है। गुरु कृपा से मेरे मन में मेरे लिए इस समग्र रामचरितमानस का सार है ये तीन सूत्र, सत्य प्रेम और करुणा। राम को भजले, राम को गाले और राम को सुन ले। भजले राम, गाले राम, सुन ले राम, यह रामचरितमानस का निचोड़। और गोस्वामी जी कथा को विराम देते हुए बोले, जिसका नाम पतित पावन और जिसका बाना बहुत बड़ा है, जिसका नाम लेने से किसका उद्धार नहीं हुआ। और कुछ पतितों का एक लिस्ट गोस्वामी दे रहा है कि केवल नाम के कारण इन लोगों का उद्धार हुआ। इसमें सबसे ज्यादा पतित मानी जाए ऐसी एक जो वो है उसका नाम सबसे पहले लिया। तुलसी लिखते हैं आखिर में, पाई गणिका अजामिल रत्नाकर, गणिका अजामिल ब्याध गीत। कौन नहीं तरह है हरि नाम के स्मरण से। तुलसी कहे छोड़ो सब, मेरे सामने देखो, जाकी कृपा लवले सते मति मंद तुलसीदास, पायो परम विश्राम प्रभु। प्रभु की कलवलेश कृपा हुई तो मेरे जैसा मतिमंद आज परम विश्राम को प्राप्त कर रहा। पूर्णता मानो मिल गई गोस्वामी जी को, कृतकृत्य हो गए। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मानस लिखने के बाद तुलसीदास जी ने और कोई ग्रंथ लिखे। 12 ग्रंथ है तुलसीदास जी, लेकिन माना जाता है, कई विचार भेद जरूर है, लेकिन माना जाता है कि रामचरितमानस अंतिम है। उसके बाद पूर्णता आ गई, पायो, उसके बाद परम विश्राम के बाद कोई श्रम तुलसी ने नहीं लिया, बस पायो परम। कई लोग कहते हैं विनय पत्रिका आखिर में लिखी है, कोई कहते हैं कुछ जो हो, ये तो सबके अपने अपने। तैर गए, पा गए, पा गए। आप कभी प्रयोग करना, कच्चे आम को पानी में रखना, डूब जाएगा। और परिपूर्ण आम पक जाए तो तैरेगा। कच्चा ज्ञान डूबाता है, पक्का ज्ञान तैर देता है। पायो परम विश्राम हमें हमें धन्य कर देता है, ये स्वाभाविक है। कच्चा भोजन करे तो पेट में दर्द होगा और पक्का भोजन करो तो शरीर पुष्ट होगा। तो ये पूर्णता की ओर गोस्वामी जी हमें लिए चलते। पायो परम विश्राम,
मैं राम के समान किसको मानूं, किसको देखूं? मोह समदीय नदी नहीं तो तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मनि हरहु विषम भव वीर, काम ही नारी बियारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मोहिर। यत् पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद राम भदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्त्ये तु रामायण मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शांतये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदं माया मोह मलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद् राम चरित्र मानसमिदं भक्त्यावगा ते संसार पतंग घोर किरणै दह्यन्तिनो मानवाः। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम सप्तमः सोपान उत्तरकांड समाप्त। श्री सीताराम चंद्रार्पण। तो बाप भुसुंडी ने गरुड़ के सामने कथा को विराम दिया, शिवजी ने पार्वती के सामने, याज्ञवल्क्य का उल्लेख नहीं मिल रहा है, तुलसी ने अपने मन को और संतों को सुनाते विराम दिया और अपने परम विश्राम का अनुभव किया। इन परम आचार्यों की छाया में, ठाकुर जी की कृपा छाया में, इस परम पवित्र धाम अयोध्या में 9 दिन के लिए हमें कथा गाने का अवसर मिला और मेरी व्यासपीठ भी 9 दिवसीय कथा को विराम देने की ओर है, तब क्या कहूँ। मनोरथ था कि रामलाला विराजमान हो जाएं, मंदिर की ध्वजा फहर जाए। मैं मानस गनी का बोल रहा था 7 साल पहले, कितने साल पहले यहाँ अयोध्या, हाँ जब जे मानस गनिका पर जो कथा कर उसी समय जो प्रेरणा हुई थी, मैंने कहा कि मैं 2 ईंट रख कर जा रहा हूँ कि ये मंदिर हो जाए। एक ईंट स्वीकार की और दूसरी संवाद की, ऐसा शायद मेरा निवेदन है। और फिर उस समय मनोरथ भी था कि बन जाए और आरती हो जाए, फिर कथा गाने का एक अनुष्ठान हम करें, और परमात्मा ने मनोरथ पूरा किया। और मैं आपको दादाजी जरूर धन्यवाद व्यक्त किया आपने, लेकिन आपने मेरी व्यासपीठ को निमंत्रित किया। हमारे मनोरथी परिवार ने विनम्र भाव से पूरा आयोजन किया। कानन एक बीच में जोड़ने वाला रहा और आपने कहा था कि बापू 1 महीना बीत जाए उसके बाद रखिएगा ताकि सब ठीक ठाक हो जाए। तो 24 तारीख से ये कथा का आरंभ हुआ और आपने निमंत्रण दिया, यजमान श्री ने ये सब व्यवस्था सुविधा जो कहो जुटाई। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरी व्यासपीठ की वो तो रुचि ठाकुर जी ने पूरी की कि जो मेरी रुचि थी कथा गाऊं, लेकिन मेरी 2 रुचि आपने पूरी की। एक रुचि तो ये कि भगवान वेद, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण इस मंदिर में स्थापित हो, ये भी आपने कह दिया कि आप बाप हम कर गए, ये रुचि मेरी पूरी की। और दूसरी रुचि ये जो पंक्तियाँ बाल राम के लिए जो मैंने मानस से उठाई, कि बाल से उत्तर तक में बाल की एक पंक्ति बंदऊ बाल रूप सोई, क्योंकि बाल रूप विराजमान है प्रभु, बंदऊ बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जसप जपत जिस नामू, इष्ट देव मम बालक राम शोभा वपुष
कोटि सत्कार, ये मुझे अंदर से कुछ उछाल, कोई मुझे पुश कर रहा था, इसलिए मैंने प्रार्थना की कि क्या ये दो पंक्ति स्वर्णाक्षर में लिख करके भगवान ठाकुर का जो स्वरूप है उसके द्वार के अगल बगल में जहाँ जगह मिले, जिस रूप में उसको जगह मिले, तो स्वर्णाक्षर में लिख करके दो बाजू, आपने ये रुचि भी पूरी कर दी। हाँ बापू, और मेरे पास कितने फोन आ रहे, चिट्ठियाँ आ रही, बापू हमको लाभ दो, हमको लाभ दो, जो भी हम डालना चाहे। मैंने कहा पहले टेक्नीशियन की उसके, क्योंकि इसमें कोई भी खिला डालना, कुछ भी डालना, ये पूरा मना, तो किस तरह ये लगाया जाए, उसके उसके जो सलाहकार सलाह देंगे और जब कहेंगे तब होगा। तो यहाँ मुझे कथा करनी थी, ये रुचि राम ने पूरी की। और फिर यहाँ कुछ ऐसा हो, ये स्वाभाविक जो प्रेरणा उठी वो रुचि जन्मभूमि ट्रस्ट और न्यास ने पूरी कर दी। इसलिए हम आपके ऋणी हैं, और मैं तो बापू हूँ, ये दादा दादा रुचि पूरी न करे तो कौन करेगा। और फिर कथा के लिए तो नहीं, ये जब हो जाए फिर मैं दर्शन करने आऊंगा। अब क्या है कि अयोध्या से जब अंगद, सुग्रीव, विभीषण ये सब विदा ले रहे थे ना राम राज्य के बाद, तो भगवान ने सबका सम्मान किया, आप जानते हैं प्रसंग उत्तरकांड। लेकिन जब गुहराज, एक निषाद, एक वंचित, एक उपेक्षित, समाज का आखिरी आदमी, राम क्यों पूज्य है, प्रिय है, सबको प्राप्य है, उसके सटीक कारण है, एक अधम आदमी निषाद, निषाद जो कोई उसको बुलाए ना, उसको भगवान जब विदा देते हैं, सुग्रीव को माला, अंगद को माला पहनाई, विभीषण को वस्त्र दिया, सुग्रीव को कुछ दिया, सबका सम्मान किया विदा के समय। लेकिन जब गूह को विदा देने की बात आई, तुलसी के मानस में लिखा है, तब प्रभु ने उसको कुछ नहीं दिया, भगवान ने उससे मांगा। निषाद ने कहा महाराज आप अभी भी मेरे में, बोले आदत हो गई, गंगा के तट पर आया तब नाव मांगी थी, और आज मैं तुझसे एक दूसरी चीज मांगता हूँ, क्या, कि तुझे जब समय मिले ना तो सदा रह हूँ पूरा आवत जात, तू अयोध्या आते जाते रहना, आते जाते रहना, तू यहाँ आते जाते रहना। तो सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में सलामत रखना, सुरक्षित रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो बाप दर्शन करने तो आते ही रहेंगे, जब जब अवसर ठाकुर जी बुलाएंगे। तो दादाजी ने और पूरे न्यास ने, पूरे ट्रस्ट ने, सभी जो इन्होंने ये बात स्वीकारी, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न और प्रणाम करता हूँ। तो नौ दिवसीय रामकथा मानस राम मंदिर को हम विराम, मेरा इतने सालों का अनुभव है कि एक क्षण लगता है कि सब कुछ बोल दिया, जो सब्जेक्ट उठाया हो, और व्यासपीठ से उतरता हूं तो लगता है सब कुछ बाकी रह गया। ये कोई शब्द लालित्य नहीं है, ये शाब्दिक क्रीड़ा नहीं है, व्यासपीठ पर बैठा हूं, मानस पर हाथ रखकर बोल रहा हूं। हर वक्त में कथा कहूं तब लोग क्या बहुत बोल दिया, अब मैं बहुत नाचो गोपाल, लेकिन उतरता तो लगता है को ये सब्जेक्ट तो कितना प्यारा था, सब कुछ बच गया। इसको कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इसी को अनंत कहते हैं। तो बाबा बाबा हमने हमारा नहीं, मारो बाप तो आ बापा ने को दादा दादा खुश रहो, दादा प्रणाम। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मेरी व्यासपीठ भी
अब इस कथा को विराम की ओर ले चलती है, तब पूरी अवध को प्रणाम करते हुए, त्रिभुवन को प्रणाम करते हुए, जिन दो पंक्तियों से हमने इमानस राम मंदिर को उठाया, अब सबको शायद याद है, याद रहेगा, एक बार इन दो पंक्तियों का हम समूह गायन कर ले। सब सीधि सुलभ जपत जिसु इष्ट देव बाल दो पंक्तियों के उसको केंद्र में रखते हुए कथा का संवाद हुआ। एक छोटा सा सत्कर्म हम घर में करते हैं तो कोई कुछ न कुछ, हम जीव हैं, चूक हो जाती है, त्रुटि रह जाती है। ये तो कितना बड़ा प्रेम यज्ञ हर प्रकार। दादाजी एक बात मैं आपको कहकर जाऊं कि 9 दिन में कोई श्रोता ने एक भी शिकायत नहीं की कि हमको ये तकलीफ हुई, हमको ये कोई भी, वरना मैं जानता हूँ कि कितनी शिकायतें आती है कि हमें निवास ठीक से नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। इसका मतलब है कि परमात्मा की कृपा से हर एक प्रकार से ये प्रेम यज्ञ सफल नहीं, सुफल हुआ। फिर भी जीव है, वक्ता से कोई भूल हो जाए बोलने में, कोई संदर्भ में हो सकता है, व्यवस्थापकों से, स्वयं सेवकों से, इरादा किसी का नहीं होता कि कुछ चूक हो, लेकिन हो जाए। अजानता महिमानं तवेदं, परम तत्व की महिमा को जाने बिना कुछ अज्ञानतावश कुछ न कुछ चूक हो सकती है। उसकी निवृत्ति के लिए हमारी प्रवाही और पवित्र परंपरा हमें आदेश करती है कि जब ऐसे प्रेम यज्ञ पूरा हो, ऐसा सत्कर्म जब विराम ले, तब एक मंत्र का 3 बार उच्चारण किया जाए ताकि जो कुछ कमियां त्रुटियां हों वो सब निकल जाए और पूर्णता प्राप्त हो जाए। तो पहले मैं बोलूं, फिर आप सब बोलिएगा, फिर मैं बोलूं, फिर आप सब बोलिएगा, तीसरी बार मैं बोलूं, फिर आप बोलिएगा। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये, परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो सत्कर्म इस रूप में उसको पूर्णता मिल जाती है। और अब हनुमान जी को विदा दूं इससे पूर्व, इन 9 दिवसीय रामकथा मानस राम मंदिर हम सब मिलकर इस भगवान रामलला की जो दिव्य मूर्ति, सेव्य मूर्ति, पूज्य मूर्ति, कल तो बहुत आनंद आया, कल बहुत आनंद आया, उठने को मन नहीं करता था, क्या क्या लगा कि वो खींचा जा रहा है, हमको खींचा जा रहा है, गजब का काम हुआ। तो आइए हम सब मिलकर के, कोई बालक हो उसके घर हम जाएं,
तो अपने नीतिकारों ने भी कहा कि गुरु के वहाँ जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जिसके घर में बच्चे हो तो वहाँ कुछ खिलौना ले जाओ, कुछ मिठाई ले जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा नीतिकारों ने कहा है कुछ। तो हम आपके घर आए तो हम आपको क्या दें, मैं 9 दिवस की कथा आपको दे रहा हूँ। इस 9 दिन का जो सत्य, इस 9 दिन का जो प्रेम, इस 9 दिन का करुणा और इस 9 दिन की जिनका जो सुकृत है, आओ हम सब मिलकर रामलला के चरणों में हम सब मिलकर के समर्पित कर दें। प्रभु ये आपके चरणों में हम समर्पित कर दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग। मैं बहुत प्रसन्नता के साथ विदाई ले तो कथा ठाकुर जी को अर्पण करूं। आप लोगों ने बहुत आदर दिया, प्यार दिया, आदर से भी प्यार बहुत बड़ा है। आदर तो दुनिया में शिष्टाचार में भी दिया जाता है, प्यार में तो समर्पण करना। पूरी अवध ने, सब ने, पूरा यहाँ कितने लोग देश विदेश, इतने विदेश के लोग अपनी कथा में नहीं आए, इतनी कथाएँ हुई। आते हैं कभी 100 हो, कभी 50 हो, लेकिन राम के नाते जो आए, मैं मिलते मिलते थक गया 2 दिन। इतने विदेश से भी आए तो आप सब का इतना प्यार मिला। आप बैठो ना, आप बैठो बेटा, आप बैठिए ना, आप बैठिए। तो बाप हम बहुत प्रसन्नता लेकर, क्या कह रहा था मैं, तो प्रभु के चरणों में हमने ये सब समर्पित कर दिया। और बस और क्या, दादा तू मत उठना गए, अच्छा ठीक है ठीक है। ओ बाप रे, तो साहब हनुमान जी को विदा दूं इससे पूर्व। अच्युतं केशवं श्री राम नारायणं विसर्जन हो गए। सुनहु वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। आशीर्वाद तो प्रभु दे, रामचरितमानस का सदग्रंथ दे, लेकिन व्यासपीठ पर बैठा हूँ तब तक आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना। आप सबने बहुत प्रेम किया रामचरितमानस से, और हमारे मनोरथी परिवार जो मौन रहकर निमित बन गए, इनके पूर्वजों का बड़ भाग्य। और जहाँ मैं
जब भी अवध आता हूँ, निवास करता हूँ कैलाश में, हमारे शिव बाबू और उसका पूरा परिवार जिन्होंने वो किया, और आप सब ने इतनी शांति से जो कथा का श्रवण किया, सबके लिए वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु, सबके वंश में, सबके कुल में, सबके परिवार में भगवान की भक्ति दिन दुना रात चौगुना बढ़े, ऐसी मेरे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हुआ मैं आपसे विदा लूं इससे पूर्व पहले दिन भी कहा और उस समय भी कहा 22 तारीख को भी कि अभी 2 साल लगेगी ये पूरा होने, 2 या 3, दो ही लगेंगे दादाजी कह रहे, तो जो लगे ठीक है, तो ये शिखर हो जाए ना तजा फैर जाए फिर आऊँगा। यदि परमात्मा ने चाहा तो 90% पक्का फिर एक बार शिखर चढ़ जाए, फिर हम आकर के राम को गाएंगे, राम को भजेंगे, राम को सुनेंगे, ऐसा मनोरथ करके यहाँ से मैं आपसे विदा लेता हूँ। और आखिर में 1-2 मिनट हरे राम हरि बोल।
बोल, सब गाइए, दो मिनट। Thank you.
महाराज महाराज प्रिय। तो बाप नवदिवसीय राम कथा मानस राम मंदिर विराम ले रही है। आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम। भाव से बोलिए रामचंद्र भगवान प्रिय हो बाल कृष्ण भगवान प्रिय हो सद्गुरु भगवान प्रिय पतये आई
यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति प्राप शांति दोषदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति देवारेव देवाय यज्ञे देवाय इन्द्रः देवाय भूषण देवाय देवा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ।